को देश आजाद हुआ, देश भर में एवरेज कीमत एक एकड़ की 3,000 रुपये थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है, 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़े? राम गोपाल जी कह रहे हैं, मान्यवर आपके माध्यम से, मैं लखनऊ के आसपास कितना भाव हुआ, कितना रेट हो गया, तो श्रीनगर वाले को राम गोपाल जी अधिकार नहीं है क्या? हमें नहीं देना है क्या? क्यों रोक कर रखना है उसको? मान्यवर एक गरीबी जो वहां गई है, बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 है। मान्यवर भ्रष्टाचार अथाह हुआ, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। मान्यवर पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए था वहां नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता, और भला कौन जाएगा बाहर? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है, खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा, वहां नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा, परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन कंपनी, मतलब ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती है, कोई बड़ी कंपनी वहां होटल भी नहीं बने। वहां हजरतवाल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ढेर सारी रिलीजियस टूरिज्म की संभावना भी वहां पर पड़ी है, मगर इसका इसको ढंग से सभी संभावनाओं को उसका दोहन नहीं हो पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं।